नमस्कार जुले एंड इंग्लिश में कहे तो हेलो वैंगफे लद्दाख में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने जाएंगे इस पेतुप गोम्पा के बारे में, जिसे हम प्यार से बोलते हैं पेतुप गोम्पा। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवलर्स के लिए, जो लोग इस प्लेस को विजिट करना चाहते हैं या फिर आने के बारे में सोच रहे हैं फ्यूचर में। पेतुप गोम्पा एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है विच इज़ अबाउट 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैपिटल ले। आप इजीली पहुंच सकते हो कोई भी मीडियम से, चाहे आप टैक्सी बुक कर लो या फिर बाइक रेंट पे ले लो, आपको इजीली मिल जाएगा ले टाउन में। उसके लिए आपको गूगल मैप्स का सहारा लेना इज़ द बेस्ट वे आई कैन से। एंड मेक श्योर दैट आप बस प्रेफर मत करो, क्योंकि आपको डेस्टिनेशन तक जाने के लिए चल के जाना होगा। तो इसीलिए तो ये मॉनेस्ट्री खुलता है सुबह के 7 बजे और शाम के 6 बजे तक। दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपको फोटोग्राफ्स खींचने नहीं है ऑफ द एयरपोर्ट बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड इट। अगर आप करते हो तो आप समझ लीजिए कि आप अपने कंट्री को कमज़ोर कर रहे हो। एंड सेकेंड ये है कि किसी भी मॉनेस्ट्री के एंट्रेंस में जाने से पहले मेक श्योर दैट यू टेक ऑफ योर शूज़ एज इट इज़ नॉट अलाउड इट। बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस समर और विंटर में दोनों कहूँगा। समर इसलिए क्योंकि शाम के समय का वक्त बहुत अच्छा दिखता है, दूर दूर की हरियाली का आप आनंद ले सकते हो। समर में तो उतना फ्रीकिंग कोल्ड होता भी नहीं है विच फील्स गुड एंड द विंड दैट ब्लोज ओवर देयर इज माइंड ब्लोइंग एंड आपको अच्छा फील हो जाएगा। विंटर में इसलिए क्योंकि विंटर में एक एनुअल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है एंड जिसको हम बोलते हैं स्पितु कुस्तूर, दैट इज़ हेल्ड फॉर 2 डेज, जहाँ पर आपको मास्क डांस या फिर छम डांस देखने को मिलेंगे। अगर आप वीडियो क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो क्लिप्स को आप देख सकते हैं। तो ये है स्पितु कुस्तूर, जो हर साल 2 दिन के लिए मनाया जाता है और कुछ इस तरह से दिखता है छम डांस या फिर मास्क डांस, और साथ साथ में काली माता या फिर पलदन लामो का भी अनवील किया जाता है, दिखाया जाता है। एंड ऑन द अदर डेज इट इज़ कीप्ड विद इन द टेम्पल। अगर आप विंटर में आना चाहते हो तो प्लीज़ इस फेस्टिवल को मिस मत कीजिए, बिकॉज ये साल में सिर्फ 2 ही दिन आते हैं और इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको नाइट व्यू मिस करना नहीं है बिकॉज इट इज़ इल्यूमिनेटेड विद लाइट्स विच लुक्स अमेजिंग एंड आपको अच्छा लगेगा। नॉट ओनली स्पितु गोम्पा इज इल्यूमिनेटेड लाइट्स, द आर्मी कैंप्स आल्सो लुक्स अमेजिंग फ्रॉम देयर। एंड स्पितु गोम्पा में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, सबसे पहले काली मंदिर जिसको हम लद्दाखी में पलदन लामो के नाम से भी जाने जाते हैं, और आपको एंशंट मास्क, तिबेटन थंकास, बुद्धा पेंटिंग्स, बुद्धा स्टेचूस देखने को मिलेंगे। जहाँ तक मैंने सुना है कि जो एरोप्लेन के रेडिएशन होते हैं दैट इज़ अफेक्टिंग द मोनेस्ट्री स्ट्रक्चर एंड उसको रिपेयर करना पड़ता है हर साल। एंड कभी कभी मैं ये सोचता था कि काश मेरे घर उस काली माता के मंदिर के सामने हो, क्योंकि मैं वहाँ से एयरपोर्ट का भी नज़ारा देख सकता हूँ, एरोप्लेन टेक ऑफ एंड लैंडिंग्स, एंड पीछे की ओर इंडस रिवर की बहती हुई नदी जो आपके मन को हल्का कर सकता है। एंड ओवर देयर इट इज़ ऑल अबाउट ओपननेस, आपको ओपननेस फील आएगी एंड विच इज़ माई फेवरेट। तो ये रहा स्पितु गोम्पा से रिलेटेड कुछ जानकारी, आप लोगों के लिए वैल्यूबल हो सकता है अगर आप इस प्लेस को विजिट करना चाहते हो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वैंगफे लद्दाख को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।